अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। तो स्टूडेंट, हमने अपने लास्ट लेक्चर में जो है एक थ्योरम जो है वो प्रूव किया था। आज के लेक्चर में भी हम एक थ्योरम जो है उसको डिस्कस करेंगे, जो कि पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो स्टूडेंट, ये थ्योरम प्रूव करने से पहले हम एक थ्योरम है उसकी स्टेटमेंट को समझेंगे कि वो थ्योरम क्या होता है। तो आइए स्टूडेंट, आज का जो लेक्चर है उसको हम स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट, आज का जो लेक्चर उसका जो टॉपिक है वो है द सैंडविच थ्योरम। थ्योरम प्रूव करने से पहले हमने ये समझना है कि सैंडविच थ्योरम जो है ये क्या होता है। तो आइए इसको समझने के लिए सबसे पहले हम इसकी स्टेटमेंट जो है वो लिख लेते हैं कि सैंडविच थ्योरम जो है वो क्या कहता है। तो इसके लिए सुन हम लिखते हैं कि लेट एफ जी एंड एच बी अ फंक्शन डिफाइन ऑन ओपन इंटरवल ए बी कंटेनिंग सी। यहां पे स्टूडेंट हमने ये लिखा है कि लेट एफ जी एंड एच बी अ फंक्शन, के एफ जी एच जो है वो कोई तीन फंक्शन है डिफाइन ऑन ओपन इंटरवल ए बी कंटेनिंग सी, जो कि एक ओपन इंटरवल ए बी के ऊपर डिफाइन है और इस ओपन इंटरवल के अंदर एक पॉइंट आ रहा है सी। सी जो है वो इस ओपन इंटरवल का कोई एक पॉइंट है और ये जो तीनों फंक्शन है एफ जी एच वो इस सी पॉइंट के ऊपर क्या है डिफाइन है, सच दैट के एफ ऑफ एक्स लेस आर इक्वल टू है जी ऑफ एक्स एंड जी ऑफ एक्स लेस आर इक्वल टू एच ऑफ एक्स। ठीक है स्टूडेंट, हमने क्या लिखा है कि लेट एफ जी एंड एच बी अ फंक्शन डिफाइन और ओपन इंटरवल ए बी कंटेनिंग सी, के तीन फंक्शन है एफ जी एच जो कि एक ओपन इंटरवल के अंदर सी पॉइंट के ऊपर डिफाइन है और उन तीनों के दरमियान रिलेशन कैसा है, सच दैट कि जो फंक्शन एफ ऑफ एक्स है वो लेस आर इक्वल टू होगा जी ऑफ एक्स के और जो फंक्शन जी ऑफ एक्स है वो लेस आर इक्वल टू होगा एच ऑफ एक्स के। अगर हम लिखते हैं इफ इफ लिमिट एक्स अप्रोचेस टू सी एफ ऑफ एक्स इक्वल टू हो एल एंड लिमिट एक्स अप्रोचेस टू सी एच ऑफ एक्स इक्वल टू हो एल, देन लिमिट एक्स अप्रोचेस टू सी जी ऑफ एक्स ये भी इक्वल टू होगी एल के। अब सुन इसका क्या मतलब है ये हम समझते हैं। हमने देखो क्या किया है, हमने यहां पे ये लिखा है कि एफ जी एंड एच बी अ फंक्शन, तीन फंक्शन है डिफाइन
ऑन ओपन इंटरवल ए बी कंटेनिंग सी, जो के एक पॉइंट सी के ऊपर डिफाइन है और वो जो पॉइंट है वो इस ओपन इंटरवल का है, सच डैट कि ये जो तीनों फंक्शन हैं इनमें रिलेशन कैसा है कि एफ ऑफ एक्स जो है वो लेस आर इक्वल टू हो जी ऑफ एक्स के, मीन के एफ ऑफ एक्स की जो वैल्यू है वो जी ऑफ एक्स के इक्वल हो या उससे छोटी हो, जी ऑफ एक्स जो है वो लेस आर इक्वल टू हो एच ऑफ एक्स के, मीन के ये जी ऑफ एक्स और एच ऑफ एक्स आपस में इक्वल हो, या जी ऑफ एक्स जो है वो छोटा हो किससे, एच ऑफ एक्स के, इफ, ठीक है सर। या तो फिर इन तीनों के दरमियान ये रिलेशन होगा इफ, अगर क्या कह रहा है, कह रहा है इफ लिमिट एक्स जो है वो अप्रोच करे सी को, लिमिट एक्स जो है वो अप्रोच करे सी को, तो ये जो फंक्शन एफ ऑफ एक्स है वो अप्रोच करे एल को, या फिर कह रहा है अगर किसी फंक्शन यानी एफ ऑफ एफ जो फंक्शन है इसकी लिमिट जो है वो अप्रोच करे सी को, तो एफ ऑफ एक्स जो है वो अप्रोच करता है एल को, एंड लिमिट एक्स अप्रोच करे सी को तो जो फंक्शन एच ऑफ एक्स है वो भी अप्रोच करता हो किसको, एल को। कहता है अगर एफ ऑफ एक्स और एच ऑफ एक्स की जो लिमिट है वो क्या हो, सेम हो, जैसे सुनो हमें यहां से नजर आ रही है कि इन दोनों की लिमिट क्या है स्टूडेंट, सेम है। कहता अगर एफ ऑफ एक्स इस एफ ऑफ एक्स और इस एच ऑफ एक्स की लिमिट जो है वो क्या हो स्टूडेंट, सेम हो, यानी देखो एक्स अप्रोच कर रहा है सी को तो एफ ऑफ एक्स किसको अप्रोच कर रहा है, एल को, और जब यहां पे हम इसकी लिमिट की बात कर रहे हैं एक्स अप्रोच कर रहा है सी को और एच ऑफ एक्स किसको अप्रोच कर रहा है, एल को। कहता अगर एफ ऑफ एक्स और एच ऑफ एक्स की लिमिट जो है वो एल को अप्रोच करती है तो ये जो फंक्शन जी ऑफ एक्स है देन इस फंक्शन की जो लिमिट है वो भी किसको अप्रोच करेगी, एल को अप्रोच करेगी, सैंडविच थ्योरम हमें ये कहता है, मीन के ये जो जी ऑफ एक्स है वो एफ ऑफ एक्स और जी ऑफ एफ ऑफ एक्स और एच ऑफ एक्स के दरमियान क्या होगा, सैंडविच होगा। मतलब क्या है देखो स्टूडेंट, सिंपल मैं आपको बताता हूं, कहते हैं अगर या मैं आपको बताने लगा हूं, कहता है इफ लिमिट इसकी लिमिट कहता है अगर अप्रोच करे सी को एफ ऑफ एक्स लेस आर इक्वल टू लिमिट एक्स अप्रोचेस टू सी जी ऑफ एक्स लेस आर इक्वल टू लिमिट एक्स अप्रोचेस टू सी एच ऑफ एक्स। कहते हैं अगर इस फंक्शन की जो लिमिट है वो क्या हो, एल हो, तो ये लिमिट एक्स अप्रोचेस टू सी जी ऑफ एक्स और इस फंक्शन की जो लिमिट है एच ऑफ एक्स अप्रोच वो भी क्या हो, वो एल हो। कहता अगर इस एफ ऑफ एक्स और इस जी एच ऑफ एक्स इन दोनों की लिमिट जो है वो किसको अप्रोच कर रही हो, एल को अप्रोच कर रही हो, तो हम कहेंगे ये जो जी ऑफ एक्स है ये इस एफ ऑफ एक्स और एच ऑफ एक्स के दरमियान सैंडविच है, और इस जी ऑफ एक्स की जो लिमिट है वो भी किसको अप्रोच करेगी, एल को अप्रोच करेगी। ये वो कहता है स्टूडेंट कि अगर हमारे पास कोई भी तीन फंक्शन हो वो एक ओपन इंटरवल के ऊपर डिफाइन हो और उनके दरमियान जो है वो इस तरह का एक रिलेशन हो कि एफ ऑफ एक्स वो लेस आर इक्वल टू हो जी ऑफ एक्स के और जी ऑफ एक्स जो है वो लेस आर इक्वल टू एच ऑफ एक्स के, तो कहता अगर एफ ऑफ एक्स की लिमिट एल को अप्रोच करे और एच ऑफ एक्स की लिमिट भी एल को अप्रोच करे तो जो जी ऑफ एक्स है इसकी लिमिट भी एल को अप्रोच करेगी। ठीक है सुन, अगर हम सिंपल वे में देखें तो हम इसको इस तरह से भी कह सकते हैं कि अगर यहां पे एफ ऑफ एक्स की फॉर एग्जाम्पल हम कहते हैं यहां पे एफ ऑफ एक्स की जो लिमिट है यहां पे हमने 5 अप्लाई कर दिया कि जब एक्स 5 को अप्रोच करे तो एफ ऑफ एक्स जो है वो 10 को अप्रोच करता है, हमने अपने सपोज कर लिया कि अगर लिमिट 5 को अप्रोच कर रही है तो कहता है एफ ऑफ एक्स अप्रोच करता है 10 को,
इस तरह यहां पे भी लिमिट 5 को अप्रोच करवा दी और यहां पे भी बेटा लिमिट जो है वो हमने क्या किया 5 को अप्रोच करवा दी। तो कहता है जब लिमिट 5 को अप्रोच करे तो एफ ऑफ एक्स जो है वो अप्रोच करेगा 10 को, और इधर भी जब लिमिट 5 को अप्रोच करे तो एच ऑफ एक्स जो है वो भी किसको अप्रोच करे 10 को अप्रोच करे। कहता अगर ये दोनों फंक्शन जब इनकी लिमिट 5 को अप्रोच करे तो इन फंक्शन जो है जो एफ ऑफ एक्स और एच ऑफ एक्स ये 10 को अप्रोच करें तो हम कहेंगे ये जो जी ऑफ एक्स है जब इसमें लिमिट एक्स 5 को अप्रोच करेगी तो ये जो जी ऑफ फंक्शन है जी ऑफ एक्स ये भी किसको अप्रोच करेगा 10 को अप्रोच करेगा। इसका ये मतलब है कि अगर एफ ऑफ एक्स एल को अप्रोच करे एच ऑफ एक्स भी एल को अप्रोच करे तो हम कहेंगे जो जी ऑफ एक्स है वो एफ ऑफ एक्स और एच ऑफ एक्स के दरमियान सैंडविच है और इसकी लिमिट भी एल को अप्रोच करेगी। ठीक है स्टूडेंट, ये सिंपल वे में हमने एक्सपोज कर लिया कि अगर इस फंक्शन की जो लिमिट है वो 5 को अप्रोच करे और फंक्शन जो है वो 10 को अप्रोच करे, एच की लिमिट एक्स जो है 5 को अप्रोच करे और एच ऑफ एक्स फंक्शन जो है वो 10 को अप्रोच करे, तो कहता है ये जो इसके सेंटर में फंक्शन है जी ऑफ एक्स ये भी 10 को अप्रोच करेगा। ठीक है स्टूडेंट, तो स्टूडेंट अभी हमने सैंडविच थ्योरम जो है उसकी स्टेटमेंट को अच्छी तरह से समझ ली है। अब स्टूडेंट हम सैंडविच थ्योरम को यूज करके इस थ्योरम को प्रूव करेंगे। तो स्टूडेंट इस थ्योरम की स्टेटमेंट क्या है, आइए सबसे पहले ये देख लेते हैं। कहते हैं प्रूव दैट लिमिट थीटा अप्रोचेस टू जीरो साइन थीटा ओवर थीटा इक्वल टू वन इफ थीटा मेजर इन रेडियन। अब स्टूडेंट इसका मतलब क्या है, कहते हैं अगर इफ थीटा मेजर इन रेडियन, अगर थीटा जो है उसकी जो मेजर है वो रेडियन में हो तो प्रूव करो, प्रूव दैट, प्रूव करें कि लिमिट थीटा अप्रोचेस टू जीरो जब थीटा जीरो को अप्रोच करे तो ये जो फंक्शन है साइन थीटा ओवर थीटा वो इक्वल टू वन होगा। क्या मतलब है इसका कि जब लिमिट थीटा जीरो को अप्रोच करे तो ये जो फंक्शन है साइन थीटा ओवर थीटा ये वन को अप्रोच करेगा, ये हमने प्रूव करना है। तो आइए स्टूडेंट इसका जो प्रूव है उसको देखते हैं। तो यहां पर हम सपोज करते हैं, सपोज ओ ए बी इज अ सेक्टर ऑफ अ यूनिट सर्कल विथ सेंटर ओ एंड रेडियस आर, टेक थीटा इज पॉजिटिव एक्यूट सेंट्रल एंगल ऑफ अ सर्कल। तो स्टूडेंट यहां पे मैंने लिखा है सपोज ओ ए बी इज अ सेक्टर ऑफ अ यूनिट सर्कल। हमने सपोज किया है कि जो ए ओ ए बी है वो एक यूनिट सर्कल का सेक्टर है। अब स्टूडेंट हमें पता होना चाहिए कि यूनिट सर्कल क्या होता है। तो स्टूडेंट मैं आपको बताता चलूं, ऐसा सर्कल जिसका रेडियस जो हो वो इक्वल टू हो वन के,
ठीक है, ऐसा सर्कल जिसका रेडियस किसके इक्वल हो स्टूडेंट, वन के हो, उस सर्कल को हम बोलते हैं यूनिट सर्कल। ऐसा सर्कल जिसका रेडियस इक्वल टू वन के हो उसको हम क्या बोलते हैं स्टूडेंट, यूनिट सर्कल बोलते हैं। तो आइए जो बात हमने यहां पे लिखी है उसको साथ साथ डायग्राम में भी देखते हैं। हमने स्टूडेंट यहां पे लिखा है कि जो ओ ए बी है वो यूनिट सर्कल का सेक्टर है। तो हम यहां पे स्टूडेंट क्या करते हैं, एक सर्कल ड्रा कर लेते हैं। ये स्टूडेंट हमने सर्कल ड्रा कर लिया। अब उस सर्कल में हमने क्या लेना है, सेक्टर लेना है ओ ए बी। तो यहां पे स्टूडेंट हम क्या करते हैं, एक सेक्टर इसका ले लेते हैं। ये इसका सेंटर, ये स्टूडेंट हमने इसको कह दिया ओ, इसको हमने कह दिया ए और इसको हमने कह दिया बी। ठीक है, देखो अब स्टूडेंट सेक्टर क्या होता है, सेक्टर जो है वो सर्कल का एक पार्ट होता है जो कि दो रेडियस और एक आर्क के दरमियान बाउंड होता है। ठीक है, अ पार्ट ऑफ अ सर्कल विच इज बाउंडेड बाय टू रेडियाई एंड वन आर्क इज कॉल्ड अ सेक्टर। ठीक है स्टूडेंट, सेक्टर क्या होता है, अ पार्ट ऑफ अ सर्कल विच इज बाउंडेड बाय टू रेडियाई एंड आर्क इज कॉल्ड, या एंड वन आर्क इज कॉल्ड सेक्टर ऑफ अ सर्कल। तो देखो स्टूडेंट, ये हमारे पास एक रेडियस, ये हमारे पास रेडियस, और ये भी हमारे पास क्या है, रेडियस। जीरो से ए भी रेडियस है, जीरो से बी भी रेडियस है, और ये ए से भी हमारे पास एक आर्क है। तो ये जो पार्ट है वो इस सर्कल का क्या कहलाएगा, सेक्टर कहलाएगा। ठीक है स्टूडेंट, हमने जब लिखा था ओ ए बी इज द सेक्टर ऑफ अ सर्कल, तो हमने ये लिख लिया ओ ए बी हमारे पास सर्कल का सेक्टर है। हमने यहां पे कहा कि वो सर्कल कौन सा है, यूनिट सर्कल। और यूनिट सर्कल हमें पता कौन सा होता है, ऐसा सर्कल जिसका रेडियस किसके इक्वल हो, वन के। तो इसका मतलब इसका रेडियस क्या होगा स्टूडेंट, वन होगा। फिर हमने लिखा है टेक थीटा इज पॉजिटिव अक्यूट सेंट्रल एंगल, कि हमने जो थीटा लेना है सर्कल के सेंटर में वो पॉजिटिव अक्यूट होना चाहिए, और किसमें होना चाहिए, रेडियन में होना चाहिए। ये हमने स्टूडेंट यहां तक बात लिखी थी वो कंप्लीट हमने डायग्राम में भी देख ली। एक यूनिट सर्कल ड्रा किया, उसके ऊपर हमने एक सेक्टर ए ओ बी वो ड्रा कर दिया, और थीटा जो है वो हमने यहां पे सपोज कर लिया वो सेंट्रल एंगल है, और किसमें है, पॉजिटिव अक्यूट एंगल है। अब स्टूडेंट हम यहां पे क्या करेंगे, अगर मैं यहां से मिला दूं बी को ए के साथ, ये B को मैंने मिला दिया A के साथ, इस B पॉइंट को मिला दिया मैंने A के साथ, तो साथ साथ हम जो इधर काम करके वो लिख भी लेते हैं। मैंने क्या किया, ज्वाइन करवा दिया B और A को, तो यहां पे मैं लिखूंगा ज्वाइन B टू A। ठीक है स्टूडेंट, मैंने क्या किया B को A के साथ मिला दिया। अब स्टूडेंट जब मैंने B को A के साथ मिलाया है तो हमारे पास देखो ये एक ट्राइंगल बन गई है। ट्राइंगल कौन सी, O A और B। ठीक है स्टूडेंट, जब मैंने इस B को A के साथ मिला दिया तो ये हमारे पास एक ट्राइंगल बन गई स्टूडेंट, वो कौन सी बन गई, ये ट्राइंगल स्टूडेंट बन गई इस तरह से, ये पॉइंट ओ, ये पॉइंट बी और ये पॉइंट ए। अब अगर स्टूडेंट हमें कोई कहे कि इस ट्राइंगल का एरिया फाइंड करो, अब हमें पता है कि जो ट्राइंगल का एरिया होता है वो इक्वल टू होता है वन ओवर टू, और हम क्या करते हैं, लेंथ मल्टीप्लाई बाय हाइट कह लो, ठीक है, या बेस कह लो, बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट। अब इसकी बेस तो हमारे पास है लेकिन इसकी हाइट तो है ही नहीं, तो फिर ऐसी ट्राई एंगल का एरिया फाइंड करने के लिए हमें हाइट की जरूरत होती है। तो हम क्या करते हैं, उस पॉइंट से एक परपेंडिकुलर जो है वो
ड्रा करते हैं हाइट फाइंड करने के लिए, ठीक है स्टूडेंट। तो हम क्या करेंगे, फिर यहां से पॉइंट बी से ओ ए के ऊपर जो है एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। तो हम ड्रॉ कर लेते हैं यहां पे, देखो ये मैं बी पॉइंट से ए ओ ए के ऊपर मैंने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, इसको मैं कह देता हूं सी। तो जो काम हमने इधर किया मैं वहां पे भी लिख देता हूं, या मैं लिखूंगा ड्रॉ परपेंडिकुलर बी सी ऑन ओ ए, ठीक है स्टूडेंट। बी से सी मैंने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया किसके ऊपर, ओ ए के ऊपर। एक और काम करता हूं स्टूडेंट मैं यहां पे, इस ये जो बी पॉइंट है इसको मैं थोड़ा प्रोड्यूस करवा देता हूं, मैं थोड़ा लंबा कर देता हूं, इसको बढ़ा देता हूं मीन के, ये मैंने बढ़ा दिया और इसको मैं कह देता हूं डी। और फिर इसको आगे करता हूं, इस डी से मैं एक परपेंडिकुलर जो है वो ड्रॉ कर देता हूं ए के ऊपर। इस पॉइंट को मैंने क्या कह दिया, इसको मैंने कह दिया डी। अब देखो मैंने क्या किया, पहले ये साइड थी ओ से बी, मैंने ओ से बी को बढ़ा के कहां तक ले गया, डी तक। तो मैं ये काम उधर लिख भी देता हूं कि प्रोड्यूस ओ बी टू डी। तो साथ में आप लिख देता हूं प्रोड्यूस ओ बी टू डी, ठीक है स्टूडेंट। मैंने ओ बी को डी तक बढ़ा दिया, उसके बाद मैंने क्या किया डी ए जो है वो परपेंडिकुलर ड्रा किया ओ ए के ऊपर। तो यहां पे मैं लिखूंगा एंड ड्रॉ परपेंडिकुलर ए डी ऑन ओ ए। तो मैंने क्या किया, यहां से ए डी जो है वो ओ ए के ऊपर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, ठीक है स्टूडेंट। अब देखो स्टूडेंट हमारे पास एक ये ट्राइंगल बन गई बी सी और ओ, यहां से आपको नजर आ रहा है ये ब्लू लाइन लगाई हुई है, ये ट्राइंगल बन रही है, ट्राइंगल बी सी और ई और ओ। अगर हम इस ट्राइंगल की बात करें तो यहां पे लिखें इन ट्राइंगल सी ओ बी, ये जो ट्राइंगल है स्टूडेंट ये पॉइंट सी, ये ओ और ये बी, यहां पे मैं रेडियस को बढ़ा के लिख रहा हूं, यानी कि रेडियस हमारे पास है वन, इसकी बात कर रहा हूं, ये पॉइंट सी ओ और बी। अगर इस ट्राइंगल में देखें तो साइन थीटा जो है स्टूडेंट वो हमें पता होता है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज के, ठीक है। अब इस ट्राइंगल सी ओ बी में देखो ये थीटा है, थीटा के सामने वाली साइड क्या होती है परपेंडिकुलर, क्योंकि यहां पे क्या आ रहा है बी से सी, और स्टूडेंट हाइपोटेन्यूज क्या है ओ बी, ठीक है स्टूडेंट। साइन थीटा इक्वल होता है परपेंडिकुलर ओवर एच, तो ये हमारे पास ट्राइंगल है सी ओ बी, तो यहां पे ये बी सी परपेंडिकुलर है, ये आ गया हाइपोटेन्यूज जो है वो हमारे पास है ओ बी। अच्छा यहां पे गौर करें तो ओ बी हमारे पास इसमें हाइपोटेन्यूज तो है ही है, लेकिन देखो ये सेंटर से लेकर बाउंड्री पॉइंट तक डिस्टेंस है, और ये हमारे पास क्या होता है रेडियस, और ये हमें पता है कि यूनिट सर्कल है, और यूनिट सर्कल का जो रेडियस है वो इक्वल टू इसके होता है वन के। हमें पता है कि यहां पे जो ओ बी है वो इक्वल टू है रेडियस के, और रेडियस इक्वल टू है वन के, इसका मतलब यहां पे ओ बी की अब क्या आ जाएगा स्टूडेंट वन। तो फिर हम यहां पे लिख सकते हैं साइन थीटा इक्वल टू आ जाएगा बी सी ओवर वन, और जब ये इसके साथ डिवाइड होगा तो ये साइन थीटा इक्वल टू बी सी, इसको स्टूडेंट हम कह देंगे वन। अब इस तरह से हम बात करते हैं इस ट्राइंगल की, ट्राइंगल ए ओ और डी, ये जो बड़ी ट्राइंगल है ए ओ और डी, या मैं लिखता हूं इन ट्राइंगल ए ओ और डी। अब ये ट्राइंगल ए ओ और डी, यहां पे देखो हमें इन तीनों साइड में से एक साइड का पता है स्टूडेंट, वो कौन सी ओ से ए, ना तो हमें ओ से डी का पता है ना ही हमें ओ से डी का पता है ना ही हमें ए से
डी का पता है, सिर्फ हमें ओ से ए का पता है। अब हमने इसमें साइड फाइंड करनी है, तो ये ओ ए लेंगे, तो इसके लिए हम क्या लेंगे, यहां पे टेन थीटा ले लेते हैं, टेन थीटा। अब फ्रेंड्स टेन थीटा हमें पता कि होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस के। अब अगर ये थीटा है तो ये ए से डी हमारे पास क्या होगा, इसका परपेंडिकुलर, तो यहां पे हम लिखेंगे ए से डी, और बेस क्या है ओ से ए, तो यहां पे आ जाएगा ओ से ए। अगेन देखो स्टूडेंट, ये ओ से ए है तो इसकी बेस, लेकिन ये जीरो से लेकर मीन के पॉइंट ओ से लेकर पॉइंट ए तक जो है इस सर्कल का रेडियस है, और हमें पता है सर्कल का जो रेडियस है वो इक्वल टू है वन के, तो हम पे यहां पे ये लिख सकते हैं कि जो ओ से ए डिस्टेंस है वो इक्वल टू है आर के, और जो आर है स्टूडेंट वो इक्वल टू किसके है वन के, क्योंकि ये जो सर्कल है वो हमने लिया हुआ है यूनिट सर्कल। तो फिर यहां से हम ये लिख सकते हैं टेन थीटा इक्वल टू ए डी ओवर वन, और वन से ये डिवाइड होकर क्या आ जाएगा ए डी ही आ जाएगा, इसको हम कह देंगे टू कह दें। ठीक है स्टूडेंट, अब स्टूडेंट हमें टेन थीटा की वैल्यू हमारे पास आ गई ए डी का, जिससे इक्वल टू टेन थीटा, और बी से सी जब इक्वल टू आ गए साइन थीटा। अब अगर स्टूडेंट हम बात करें यहां पे एरिया की, तो यहां पे देखो हमारे पास तीन चीजें बन रही हैं। सबसे पहले हमने बात की थी सेक्टर की, हमने सपोज किया था कि ए ओ बी जो है वो एक सेक्टर है यूनिट सर्कल का, तो हम इसके एरिया की बात करते हैं। तो यहां पे हम लिखें एरिया ऑफ अ सेक्टर, एरिया ऑफ अ सेक्टर ओ ए बी। अब सेक्टर का एरिया सुनो हमें पता है वो क्या होता है, वन ओवर टू आर स्क्वेयर थीटा। ठीक है स्टूडेंट, ये हमारे पास सेक्टर का एरिया फाइंड करने का फार्मूला होता है। अब सुन देखो, ये जो सर्कल हमने लिया हुआ है यूनिट, और यूनिट सर्कल में रेडियस जो है वो इक्वल टू किसके होता है वन के, इसका मतलब यहां पे हम क्या पुट करेंगे वन, क्योंकि हमारे पास ये कौन सा सर्कल है यूनिट सर्कल है, तो स्टूडेंट जब यहां पे हम वन पुट करेंगे तो ये आ जाएगा वन ओवर टू यहां पे वन का स्क्वेयर इंटू थीटा, तो ये आ जाएगा वन ओवर टू और थीटा आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, एरिया ऑफ सेक्टर जो है वो स्टूडेंट इक्वल टू आ गया किसके, वन ओवर टू थीटा आ गए। अब स्टूडेंट अगर हम बात करें किसकी, हम ट्राइंगल की बात कर लेते हैं, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए ओ और बी की। ठीक है, तो यहां पे हम बात करते हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल ए ओ बी। अब अगर हम स्टूडेंट इसके एरिया की बात करें ट्राइंगल ए ओ बी की, तो इसका एरिया जो है वो इक्वल टू होता है वन ओवर टू बेस, यहां पे बेस क्या आ रही है स्टूडेंट ओ से ए, मल्टीप्लाई बाय हाइट, और हाइट स्टूडेंट क्या आ रही है बी से सी। हमें पता है कि जो वन ओवर टू एरिया किसी भी ट्राइंगल होता है वन ओवर टू बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट, तो इस ट्राइंगल की हम बात करें ए ओ और बी की, तो यहां पे इसकी बेस स्टूडेंट ये बन रही है ओ से ए, तो ये हमने बेस लिख दी, और इसकी हाइट बन रही है बी से सी, ये हमने इसकी लिख दी हाइट। अब देखो स्टूडेंट यहां पे ओ ए क्या है, रेडियस है, रेडियस आर के इक्वल होता है वो होता है वन, तो यहां पे फिर स्टूडेंट क्या आ जाएगा, यहां पे ये आ जाएगा वन ओवर टू यहां पे ओ एरिया पे वन, और देखो बी सी फ्रॉम इक्वेशन वन बी सी किसके इक्वल है साइन थीटा के, तो यहां पे हम लिख देंगे साइन थीटा, तो स्टूडेंट ये इससे मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएगा साइन थीटा ओवर टू, ये एरिया ऑफ ट्राइंगल ए ओ बी इक्वल टू आ गया साइन थीटा ओवर टू के। अब फिर हम बात करते हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल किसकी, ए ओ और डी की, ये जो हमारे पास है ए ओ डी, इसके एरिया की बात करते हैं, तो
तो यहां पे हम लिखेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल, तो यहां पर स्टूडेंट हम लिखते हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल ए ओ डी, ये भी इक्वल टू होगा वन ओवर टू बेस, बेस इसकी अगेन ओ ए आ रही है और हाइट इसकी आ रही है ए से डी एंड ए डी। ये सिखा हमने फार्मूला लिखा कि जो एरिया ऑफ ट्राइंगल ए ओ डी है इक्वल टू होगा वन ओवर टू ओ ए मल्टीप्लाई बाय ए डी। अगेन सुन ओ से ए जो है वो रेडियस है और रेडियस इक्वल टू होता है वन के, तो यहां पे हम इसकी वैल्यू पुट करेंगे वन ओवर टू यहां पे आ जाएगा वन। फ्रॉम क्वेश्चन टू जो ए डी है सुन देखो वो किसके इक्वल आ रहा है टेन थीटा के, तो सुन यहां पे आ जाएगा टेन थीटा। अब ये इससे मल्टीप्लाई होके सुन हो जाएगा टेन थीटा ओवर टू। ये सुन हमने यहां पे तीन चीजें ली थी, एक सेक्टर लिया था हमने उसका एरिया फाइंड कर लिया, फिर स्टूडेंट हमने एक क्या किया था हमने बी को ज्वाइन किया था ए के साथ, हमारे पास एक ट्राइंगल बनी थी ए ओ बी, हमने उसका एरिया फाइंड कर लिया, फिर हमने ओ बी को डी तक प्रोड्यूस करवाया था और डी से एक परपेंडिकुलर ड्रा किया था, तो हमारे पास ये भी ट्राइंगल बन गई ए ओ डी, तो हमने इसका एरिया भी फाइंड कर लिया। अब अगर हम फिगर से देखें ये जो डायग्राम हमने बनाई है स्टूडेंट, फ्रॉम डायग्राम या फ्रॉम फिगर या फिर हम लिखें फ्रॉम फिगर, अगर हम इस डायग्राम से देखें स्टूडेंट तो ये हमारे पास ट्राइंगल बन रही है ओ ए ओ और बी। देखो मैं यहां तक ब्लू लाइन को खत्म कर रहा हूं, ये ब्लू लाइन मैंने कर दी खत्म, ठीक है सी पॉइंट मैंने हटा दिया। अब देखो यहां से ये जो रेड लाइन के साथ ट्राइंगल बन रही है ये ए ओ और बी, ये हमारे पास ट्राइंगल है ये वाली, यह मैं वन लिख रहा हूं, और रेड लाइन के बाहर देखें जो सेक्टर है वो हमारे पास यहां से आ रहा है, मैं इसको ब्लू लाइन में कन्वर्ट करता हूं, ये वाला जो है ये रेड वाली लाइन हमारे पास जो एरिया है वो किसका एरिया है ट्राइंगल का है, और ब्लू वाली लाइन तक जो एरिया है वो सेक्टर का है, और ये बाहर जो रेड है ये हमारे पास इसका है इस ए ओ डी ट्राइंगल का है। तो हमें यहां से नजर आ रहा है कि जो एरिया ऑफ ए ओ बी है वो छोटा है एरिया ऑफ सेक्टर ओ ए बी से, और एरिया ऑफ जो सेक्टर है वो छोटा है एरिया ऑफ ट्राइंगल ए ओ डी से। तो मैं यहां देखो फिगर से ये लिख सकता हूं कि एरिया ऑफ ट्राइंगल ए ओ बी लेस देन है एरिया ऑफ एरिया ऑफ सेक्टर ओ ए बी, और एरिया ऑफ सेक्टर लेस देन है एरिया ऑफ ट्राइंगल ए ओ डी, ठीक है स्टूडेंट। या मैंने लिखा है कि एरिया ऑफ ट्राइंगल ए ओ बी, ये जो ए ओ बी का एरिया है ये छोटा है एरिया ऑफ सेक्टर ओ ए बी से, और एरिया ऑफ सेक्टर जो है वो लेस देन है एरिया ऑफ ट्राइंगल ए ओ डी से। ये हम डायग्राम से भी देख सकते हैं कि ट्राइंगल ओ ए बी का जो एरिया वो सबसे छोटा है, उससे बड़ा एरिया सेक्टर का है, और उससे बड़ा एरिया जो है वो इस ट्राइंगल का है ए ओ डी का। अब यहां देखो एरिया ऑफ ट्राइंगल लिखा ए ओ बी, ये हमारे पास इक्वल टू आया है साइन थीटा ओवर टू के, लेस देन एरिया ऑफ जो सेक्टर है ये इक्वल टू आया है थीटा ओवर टू के, एंड एरिया ऑफ ट्राइंगल ए ओ डी वो इक्वल टू आया स्टूडेंट टेन थीटा ओवर टू के। अब स्टूडेंट मैं क्या करता हूं इसको टू के साथ मल्टीप्लाई करवाता हूं, मल्टीप्लाई बाय टू। जब स्टूडेंट इन सबको मैं टू के साथ मल्टीप्लाई करवाऊंगा, जब टू इसके साथ मल्टीप्लाई होगा टू टू से कैंसिल होकर आ जाएगा
साइन थीटा लेस देन, यहां पे भी ये टू के साथ मल्टीप्लाई होगा तो टू टू से कैंसिल होकर क्या आ जाएगा, थीटा लेस देन, इसको भी टू के साथ मल्टीप्लाई कर रहा होगा तो टू डिवाइड हो रहा है, टू टू से कैंसिल होकर क्या आ जाएगा, टेन थीटा। ठीक है, इस होल वैल्यूज को मैंने क्या किया है, टू के साथ कर दिया है मल्टीप्लाई। जब इसको मैं टू के साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो टू टू से कैंसिल होकर साइन थीटा आ जाएगा, इसको टू के साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो टू टू से कैंसिल होकर थीटा आ जाएगा, और इसको टू के साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो टू टू से कैंसिल होकर टेन थीटा आ जाएगा। अब देखो स्टूडेंट, ये साइन थीटा वैसे का वैसे ही, लेस देन थीटा वैसे का वैसे ही, अब तो यहां पे आ रहा है टेन थीटा, ये लेस देन वैसे ही, और टेन थीटा जो है स्टूडेंट वो इक्वल टू होता है साइन थीटा ओवर कोस थीटा के। ठीक है स्टूडेंट, अच्छा मैं क्या करना चाह रहा हूं, यहां से साइन थीटा को इन साइड से खत्म करना चाह रहा हूं, तो साइन थीटा को खत्म करने के लिए मुझे इनको क्या करना पड़ेगा, साइन थीटा के साथ डिवाइड करवाना पड़ेगा, तो मैं इस इनक्वालिटी को, होल इनक्वालिटी को क्या करूंगा, साइन थीटा के साथ डिवाइड कर दूंगा। तो मैं यहां पे लिखता हूं, तो यहां पे मैं लिख देता हूं डिवाइडिंग बाय साइन थीटा। इस होल इनक्वालिटी को अब शुरू में क्या करने लगा हूं, साइन थीटा के साथ डिवाइड करने लगा हूं। जब इसको साइन थीटा के साथ डिवाइड करेंगे तो ये आएगा साइन थीटा ओवर साइन थीटा लेस देन, ये भी डिवाइड होगा तो ये आ जाएगा थीटा ओवर साइन थीटा लेस देन साइन थीटा ओवर कोस थीटा, और साथ में इसके साथ भी साइन थीटा डिवाइड होगा, मीन कि इसके साथ आ जाएगा मल्टीप्लाई बाय साइन थीटा। अब फ्रेंड ये साइन थीटा जो है वो इस साइन थीटा से कैंसिल हो जाएगा, तो आ जाएगा वन लेस देन थीटा ओवर साइन थीटा, ये साइन थीटा इस साइन थीटा के साथ छोड़ क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो लेस देन आ जाएगा वन ओवर कोस थीटा के। अब फ्रेंड जरा स्टेटमेंट की तरफ आओ, साइन थीटा ऊपर है और थीटा है नीचे, लेकिन यहां पे थीटा ऊपर आ रहा है और साइन थीटा नीचे, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसका लेंगे रेसिप्रोकल। तो स्टूडेंट जब हम रेसिप्रोकल लेते हैं तो ये जो इनक्वालिटीज हैं ये चेंज हो जाती हैं, अगर लेस देन में हो इनक्वालिटीज तो ये ग्रेटर देन में चेंज हो जाती है, अगर ग्रेटर देन में हो तो ये लेस देन में चेंज होती है, तो हम इनका रेसिप्रोकल लेंगे। जब स्टूडेंट इनका रेसिप्रोकल लेंगे तो ये लेस देन है ये ग्रेटर देन में चेंज हो जाएगी, तो ये बन जाएगा साइन थीटा ओवर थीटा, और ये भी ग्रेटर देन में चेंज हो गया, ये बन जाएगा कोस थीटा। अब देखो स्टूडेंट यहां पर लिमिट किसको अप्रोच करनी चाहिए, थीटा अप्रोचेस टू जीरो, तो यहां पर हम लिखते हैं टेकिंग लिमिट थीटा अप्रोचेस टू जीरो। अब यहां पे हम होल इनक्वालिटी के ऊपर जो है स्टूडेंट क्या करते हैं, लिमिट अप्लाई करते हैं, जिसमें थीटा जो है वो किसको अप्रोच करेगा, जीरो को। तो यहां पे लिख लेते हैं टेक या टेकिंग लिमिट थीटा अप्रोचेस टू जीरो। अब यहां पे होल इनक्वालिटी में हम लिमिट जो है वो अप्लाई करने लगे हैं स्टूडेंट, तो ये स्टूडेंट आ जाएगा लिमिट थीटा अप्रोचेस टू जीरो वन ग्रेटर देन लिमिट थीटा अप्रोचेस टू जीरो साइन थीटा ओवर थीटा ग्रेटर देन लिमिट थीटा अप्रोचेस टू जीरो कोस थीटा। अब स्टूडेंट जब यहां पे लिमिट अप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास वन ही आ जाएगा, ग्रेटर देन लिमिट थीटा अप्रोचेस टू जीरो साइन थीटा ओवर थीटा ग्रेटर देन। अब फिर यहां पर देखो थीटा अप्रोच कर रहा है जीरो को, तो जब हम यहां पे थीटा की जगह पे जीरो पुट करेंगे तो कोस जीरो पे क्या होता है, वन, तो यहां पे भी क्या आ जाएगा, वन। अब देखो इस इनक्वालिटी को गौर से देखो स्टूडेंट, हमने अभी इस थ्योरम को प्रूव करने से पहले एक स्टेटमेंट समझी थी सैंडविच थ्योरम।
सैंडविच थ्योरम हमें क्या कह रहा था कि अगर हमारे पास रिलेशन हो f ऑफ x लेस देन इक्वल टू हो g ऑफ x लेस देन इक्वल टू h ऑफ x और लिमिट थीटा अप्रोचेस टू यानी कि x अप्रोचेस टू c f ऑफ x इक्वल टू हो l के और लिमिट x अप्रोचेस टू c h ऑफ x ये भी इक्वल टू हो l के, तो ये जो h g ऑफ x है ये सैंडविच होगा f ऑफ x और h ऑफ x के दरमियान। सैंडविच का क्या मतलब है कि अगर f ऑफ x की लिमिट l हो और h ऑफ x जो है ये भी l को अप्रोच करे तो जो g ऑफ x है ये भी स्टूडेंट किसको अप्रोच करेगा, शाबाश, हाँ जी बिल्कुल जी, l को अप्रोच करेगा। तो देखो यहां पे इस फंक्शन की लिमिट किसको अप्रोच कर रही है, 1 को, यानी कि थीटा जब 0 को अप्रोच कर रहा है तो फंक्शन 1 को अप्रोच कर रहा है। इस साइड पे भी जब थीटा जो है वो 0 को अप्रोच कर रहा है तो कोस थीटा किसको अप्रोच कर रहा है, 1 को। तो अगर इन दोनों के फंक्शन की जो लिमिट है जब थीटा अप्रोच करे 0 को तो फंक्शन दोनों जो है वो 1 को अप्रोच कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये जो सेंटर में फंक्शन आ रहा है ये भी किसको अप्रोच करेगा, 1 को, बाय सैंडविच थ्योरम। यहां लिखेंगे बाय सैंडविच थ्योरम लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 साइन थीटा ओवर थीटा जो है वो इक्वल टू होगा 1 के। ठीक है स्टूडेंट, ये हमने बात कहां से लिखी है, सैंडविच थ्योरम से, और ये हमने स्टेटमेंट पहले समझी थी इस थ्योरम को प्रूव करने से पहले। उम्मीद है स्टूडेंट आपको सैंडविच थ्योरम की स्टेटमेंट की समझ की आ गई होगी और ये जो थ्योरम है इसकी भी आपको समझ आ गई होगी। अगर फिर भी आपको किसी पॉइंट की समझ वगैरह ना आई हो, कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करें और मुझे जरूर बताएं आपको कौन सा पॉइंट है वो क्लियर नहीं हुआ। इंशाल्लाह मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में आपको जो पॉइंट है वो क्लियर करवा दूंगा। ओके, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।